लगती नहीं है क्या यार? आह आह बाबू सॉरी सॉरी गलती हो गई। ओह जॉन जॉन क्या बोल रही है अब? तू क्या बोल रही है? नहीं तू क्या बोल रही है अब? तो एक लड़का और लड़की बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास में आके उन्होंने बाइक रोक ली। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और हम लोग उठ चुके हैं। सुबह से तो उठ चुके हैं लेकिन कभी मैं सो रही हूँ कभी जग रही हूँ क्योंकि ये उठती नहीं है। तो फिर मैं भी सो जाती हूँ फिर ये भी सो जाता है। आजकल ये भी इतना आलसू हुआ पड़ा है ये भी सो जाता है। तो अभी कोमल झाड़ू पोछा लगाएगी और हम सुबह पीएंगे नारियल पानी। गाइस ये आ चुका है अपना नारियल पानी। चीयर्स बेबी चीयर्स चीयर्स बेबी चीयर्स। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आवर चैनल वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज सुबह सुबह टड़ी पार की सजा मिल चुकी है। किसको मिली है टड़ी पार की सजा? देखने के लिए कैमरा घुमाया जाए। पता क्यों किया इसको अंदर बंद? कोमल अभी सफाई कर रही है, उसने बालकनी खोली हुई है और ये भागता है। फिर हाथों से भी निकल निकल के भागता है। फिर देखो उसने मेरा काट भी लिया यहाँ पे कहीं, तो पता नहीं पंजा वंजा कुछ तो मारा था, तो इसलिए फिर हमने उसको उसमें बंद कर दिया जिससे वो भागे ना जब तक सफाई हो। आपने टी शर्ट किसकी पहनी है? ये इसने मुझे पहनाई है डीली डीली टी शर्ट अपनी। आपको सफोकेटेड फील हो रहा है बहुत ज्यादा? कुछ नहीं हो रहा, आप इन बात चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। साथ में वो मरे चाहिए, इसको टेंशन नहीं है कुछ भी। मेरे को टेंशन हो रही है लेकिन। अच्छा मैं आपको छपरी लुक आपने देखा होगा, बहुत दिन से आप मिस कर रहे हो, तो मैं आपको एक छपरी लुक दिखाती हूँ। इसीने बोला है मुझे पहनने के लिए। यार अगर पैंट छोटी होगी तो क्या हो गया? अगर मैं बड़ी हूँ तो फिर क्या हो गया? बड़े नहीं हो रहे हो आप, मोटे हो रहे हो बड़े। अब क्या 30 साल की उम्र में कोई बड़ा होता है क्या? 30 साल की उम्र में बंदा मोटा होता है, बड़ा नहीं होता। वॉलेट आज यहाँ पे पोछा लगाया, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब हमारे तो लिफ्ट का बटन दबा रही है। लिफ्ट चलो और जल्दी से। तो गाइस मिलते हैं आपको अभी नीचे। तो गाइस फाइनली हम अभी बैठे हैं हॉस्पिटल में, अभी डॉक्टर आए नहीं है, ऑन द वे है, तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये देख सकते हो आप। तो गाइस हम लोगों ने दिखा लिया है डॉक्टर को, अब हम लोग जा रहे हैं सोनोग्राफी के लिए क्योंकि डॉक्टर ने सोनोग्राफी लिखी है। तो चलो। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और अभी हम देखेंगे कि साहिब क्या कर रहा है। अरे मेरा बच्चा, मेरा राजकुमार कहाँ पे चोला है? मैंने जान पूछ के यहाँ पे चादर लगाई थी क्योंकि मुझे पता है यहीं सोता है। आ जा आ जा आ जा। ओले ले ओले 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 नो 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 मेरा राजकुमार। हाँ बहुत गंदे मम्मी पापा छोड़ के चले जाते हैं, है ना? बहुत ज्यादा गंदे मम्मी पापा छोड़ के चले जाते थे को, है ना? मेरा बच्चा ना निन्नी कल्ला था क्या? निन्नी कल्ला था क्या? ओले नो नो मम्मा से मिलोगे? मम्मा यही, ये देखो मम्मा आपकी फेवरेट मम्मा यही देखो हैंड वॉश कर रही है मम्मा। लो 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 नीचे उतरो। चलो सो गाइस चेंज वेंज कर ले फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस मैं आपको टाइम बता दूँ, आई थिंक 2:30 या 3:45 के आसपास हो रहे होंगे। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं लंच अपना। लंच में मैंने आज बनाई है आलू की सब्जी, जब ये बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी सूखे आलू की सब्जी, जो मेरा हमेशा की तरह फेवरेट है। और यशु यहाँ पे पता है क्या बना रही है? यशु यहाँ पे बना रही है रसम। बाबू रसम ना? लेकिन हाँ। ऐसे नहीं बनती तो टमाटर को बॉइल करके बनती है, बट मैं ऐसे बना रही शॉर्टकट में। और मुझे पता तेरी शॉर्टकट में भी टेस्टी बनेगी। यस। और हमारे साथ देखो, देख लो जरा, वो देख लो जरा, ये देख लो, ये देख लो, एक बार देख लो बस जरा, ऐसे कोने में बैठ के का कर ले हो आप? ये आप ये का कर ले हो कोने में बैठ के? है का कर ले हो कोने में बैठ के? आप ये गुंदे बनोगे क्या? अरे गुंदे बनोगे क्या? ओए काटू काटू नहीं, नो काटू काटू, नो काटू काटू, नो काटू काटू। ये इसे कौन खेलेगा? इसे कौन खेलेगा? अभी इससे खेल रहा था ये। और है ना ये धूप में ही बैठता है भाई, हमने इसको बहुत नोटिस कर लिया। अभी यहाँ पे लोट पोट मचा रखी थी, ये देखना। आ जा आओ इधर इधर, खेली 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 खेली। अब
नहीं देखना, हाथ लगाते ही लेट जाएगा। लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। नहीं बाबू, रसम देख तेरे हाथ की ज्यादा टेस्टी बनेगी, समझ बात को। मैं बनाने को तो मैं बना दूंगी, मुझे पूरे टाइम की टेंशन में थी आज। अरे हाँ, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, हम डॉक्टर को दिखा के आ गए, मैंने काफी भी करा ली, शाम को रिपोर्ट आएगी। वैसे तो डॉक्टर ने चेक किया था, मेरे को इतनी शर्म आ रही थी ना, लेकिन क्या करें, डॉक्टर है, चेक तो कराना पड़ेगा। एक मिनट, क्या हो गया इसमें? हाँ, तो मेरे को इतनी शर्म आ रही थी ना चेक करवाने में यार, बट अभी क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, और इसको बोलते हैं एक्सिलरी ब्रेस्ट, यानी कि आपके एक्सेस ब्रेस्ट आ जाती है उधर अंडरआर्म्स में, तो उसको बोलते हैं। तो अभी मे भी हो सकता है मेरा जिम करने से भी ठीक हो जाए, और हमने जिम का भी पूछ लिया डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला आप कर सकते हो जिम भी। तो आज शाम को मे भी हम लोग जाएंगे, आज शाम को जाएंगे क्या जिम करने कि कल से? हाँ सॉरी, आज पहले रिपोर्ट आएगी शाम को सोनोग्राफी की, तो वो डॉक्टर को पहले भेजेंगे, फिर डॉक्टर बताएंगी कि ऐसी कोई इशू नहीं है, फिर हम कल से जिम ज्वाइन फाइनली कर लेंगे। तो चलो, ये था सीन, दिखा दिया है डॉक्टर को भी, और मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखाऊँ ना, दिखेगा नहीं यार ऐसे ना, एक्चुअली ऐसे दिखेगा नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखाती, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग आ रखी है दोनों तरफ ही। तो ये सीन था भाई। अब अपन क्या करने वाले हैं ना, अब अपन करने वाले हैं लंच, और लंच के बाद देखते हैं फिर क्या करना होगा। तो चलो लंच पर, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। हाँ, हमने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट डॉक्टर ने बोला कि 12:15 की है, तो हम लोग निकल गए थे जल्दी के चक्कर में, और डॉक्टर आई लेट, तो इसलिए हम लंच ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाए थे, सिर्फ चाय पी के और चले गए थे। हाँ जी, बॉल से खेलोगे क्या? ये लो कुची। तो चलो गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज, ये आ चुका है हमारा गर्मा गर्म खाना, ये है यशु ने जो बनाए हैं रसम, ये कल वाली आलू की सब्जी, ये हो गया अपना अचार, ये जो मैंने आलू की सब्जी बनाई है, साथ में हो गया सैलेड, थोड़े से चावल एंड थोड़ा सा अचार, और ये सिर्फ आज आज ही हम खा सकते हैं क्योंकि कल से हमारा जिम चालू। तो चलो मिलते हैं बाद में। सो भाई, शाम के बज चुके हैं 6:30, और हम लोग जा रहे हैं मेरी रिपोर्ट लेने के लिए। तो फाइनली रिपोर्ट लेके और फिर डॉक्टर को दिखाते हैं कि क्या बोलते हैं डॉक्टर, और एक दो सामान और लेके आना है, साहिब का शैम्पू लेके आना जो हम नहीं लेके आए थे, और एक दो सामान और लेके आना है, तो वो भी लेके आते हैं। चलो, सनस्क्रीन लगा रही हो? क्रीम लगाने वाला चेहरा तो मेरे पास है नहीं जिसमें मैं मेकअप लगाऊंगी, सनस्क्रीन लगा रही हो? पॉजिटिव बोल बाबू, पॉजिटिव रहकर तभी तो पॉजिटिव होगा, तू भी पॉजिटिव बोलेगा तभी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? पता लग रहा है इतना पॉजिटिव रह रहा है कि मेरी टाइफाइड बुखार पॉजिटिव आ जाए। तू पॉजिटिव, तू बहुत पॉजिटिव हो गया आजकल। बकवास बकवास करेगी, ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल नहीं। तुम मेरी जिंदगी में आओ तब से मेरा मोटापा बढ़ा है, मैं नहीं दूर हूं मुझसे। हां, लगती नहीं है क्या यार? लग रही, दिख नहीं रहा इतनी चर्बी वाले शरीर को कहां ही लगेगी। आह आह बाबू, सॉरी सॉरी सॉरी। बीवी ढूंढ रखी है ना ऐसे पहलवान से, तो ध्यान से पंगे लिया करो, बस हो गई तुम्हारी, बहुत ज्यादा हो रहा है ये। क्या अभी समझाया था ना? सॉरी सॉरी, गलती हो गई। ओ ओ जॉन जॉन जॉन, ओ ओ मेरे पैर वैसे ही, हाथों में ताकत नहीं है, और और तेज बजा लो, ठोक दो सबको, ठोक दो भाई सबको, ठोक दो भाई, ठोक दो सबको, ठोक दो। चलो चलो गाइस, चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना रिपोर्ट लेके, और रिपोर्ट लेने गए थे, और हमसे मैंने बताया था तवा लेने गए थे। आज क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको? तो पता क्या, ये देख लो इतना सारा सामान, और ये डायरी, और ये एक डायरी, एक खाली तवा लेने गए थे और 2000 रुपए खर्च करके आ चुके। एक हाँ। एक खाली तवा लेने गए थे और एक डायरी लेने गए थे, और इतना सारा सामान ले आए, बताओ जब को बात है का। और आज मैं पता नहीं क्या ही हो रहा है, मेरे को चक्कर आ गया वहाँ पे भाई, मेरे साथ पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो
तो गाइस फाइनली हम लोग तवे लेने गए, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि तवे के साथ साथ हम क्या लाए हैं। वैसे मैं बता दूंगी हम तवा क्यों लाए, ऑलरेडी मेरे पास इतना बड़ा तवा था, लेकिन हम फिर से तवा लाए हैं। तो वो तवा इतना भारी लाई है ना कि जैसे तो पता ही नहीं क्या ही करेगी इसका। तेरे सर मैं देख के मार दूंगी, ज्यादा बोलेगी ठीक है ना बाबू, तू जरा जा मेरे पति, मम्मा मारेगी, मम्मा मारेगी। हम लेके आए हैं लोहे की कढ़ाई, इससे बड़ी कढ़ाई अपने पास है, लेकिन उसका भी वजन थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमें थोड़ा ज्यादा वजन चाहिए था, तो हम ये ले आए हैं लोहे की कढ़ाई। अच्छा जी, और उसके बाद हम लाए हैं ये डुबो को अच्छा लग रहा था, ब्लैक कलर तो कहीं भी दिख जाए मतलब, तो ये डुबो को पसंद था, तो हम ये ले आए। और हम लेके आए ये छोटी छोटी चौकियां, जो हमारे पास छोटी छोटी प्रतिमा है मंदिर में, उसके अंदर लगाएंगे, इनके ऊपर भगवान जी को बिठाएंगे, तो ये अपन तीन ले आए। अच्छा जी, और लेके आए ये स्पून, ये पता नहीं मैंने क्यों ही उठा लिया, स्पून है पता ही नहीं, तो अपने पास छह स्पून है टोटल, मतलब काम आ जाएंगे ऐसे, तो हमारे पास है स्पून फोर्क सब। और हम लेके आए ये चार कटोरियां स्टील वाली, इनका सही है ना, हैवी है ना ये वाली, और गाइस बता दो सिर्फ 40 रुपीस की है, मात्र 40 रुपए की सामान। हमारे पास जो बाउल्स है ना वो प्लास्टिक वाले हैं, और हम सोच रहे हैं डिनर सेट लेंगे, बट अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा डिनर सेट लेने का, मतलब कोई काम भी नहीं पड़ रहा है, और स्टील में मतलब खाना ज्यादा सही लग रहा है मेरे को, लेकिन नॉर्मली भी लोग यही, मतलब नॉर्मली मैंने जितना देखा है वो ये प्रेफर करते हैं कि स्टील का खाने बैठ के खाना बेस्ट है, तो प्लास्टिक प्लास्टिक कुछ लेके आए, तो बाउल लेके आए बस, नहीं थे स्टील के बाउल। उसके बाद ये लेके आए दो प्लेट, ये एक्चुअली लोगों को पसंद आई थी तो हम इसलिए हमने ली, सुंदर है ना गाइस देखो कितनी सुंदर है ये प्लेट, मतलब कभी स्नैक्स वगैरह कुछ खाने, स्नैक्स नहीं खाना खाऊंगी मैं इसमें। और ये टिश्यू पेपर ये इसके लिए लेके आए हैं, इसके पिछवाड़े साफ करने के लिए गुंडे के, ये भी ये इसका, ये ऑलरेडी है बट ये सस्ता मिल रहा था तो इसके लिए ठीक है, इसका पिछवाड़ा और इसका मुंह साफ करने के लिए। ईयरबड नहीं खाने बहुत खुशी आती है उसके लिए। और ये एक लाए हम फिनाइल, हालांकि फिनाइल पड़े हुए हैं बट वहाँ पे थोड़ा सा रीजनेबल मिल रहा था, ठीक है ले लेते हैं। अच्छा उसके बाद है ये ट्रे, बहुत ट्रे का बहुत वो रहता है कि ट्रे लिया ये लिया वो लिया। अच्छा ओके, और इसमें है नाइफ, खोल के नहीं दिखा सकती मैं, चाकू है इसमें। ओके, और इसमें है वो सोप। हाँ गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, खोलना इसको मैं दिखाती हूँ, मतलब वो बाहर जाने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये पता क्या है, ये सोप है, ये पेपर सोप है देखो, इसको ऐसे निकालने का, इसको इसको पानी में रख करने का और उसको हाथ धोने का। ये हमने पहली बार पता कहाँ देखे थे, पता कहाँ देखे थे ये हमने पहली बार, किसके पास देखे थे, नहीं सिया के पास देखे थे, याद कर मेरे को याद आ गया, सिया के पास पेपर सोप का पता, बट ऐसे वाले नहीं पता थे मुझे, तो हमने ये पता ही नहीं, बेमतलब लेके आई, पता है बोलती तो है कि खर्चा इतना करा दिया ये करा दिया, और ये बेटा 30-30, 40-40 करके आया ये सारा सामान, बिना मतलब का सामान है, सारा काम का सामान है ये, इसको देख लो जरा क्या पिएगी इसमें, तो बता दे चल, फ्रूटी क्योंकि ऐसे इसमें क्या बचा, क्या वाइन, तो आई डोंट लाइक वाइन पीना, तो अपन फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पीते। अच्छा ये ना दो लाएंगे इसमें, अभी पता क्या काम आएंगे इसमें, हम दवाई डाल डाल के पिएंगे अब हमारी जिंदगी में वही रह गई है। ऐसे मत बोलो यार, अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी बाबू, गाने ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, गुस्सा क्यों हो रही है, अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है सॉरी 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 ना, ठीक है ना, वो हो गया बस बाबू, हो गया बस, मान जा, इतना मत रूठे, व्लॉग के कैमरा चालू है तो भाई साहब, बस हो गया इतना गुस्सा नहीं, वो देख वो भी डर गया, वो भी डर गया बेचारा, चल चलो मैं बेटा, नहीं 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 इसमें बाबू 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 बाबू, अच्छा सॉरी ना, चल ठीक है कोई बात नहीं, ये ले पकड़, हमेशा जान जल्दी कटी बातें करने लगे हो अब आपने, बहुत अजीब से हो गए हो, हर टाइम बस मरने जीने की बातें, हर टाइम बस पता है कि अभी 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 रिपोर्ट आई है, अभी अभी दवाई भी चल रही है, इतनी सारी चीजें होनी है, तो तुम दवाई खाने पीने की चीजें निकाल के दवाइयां भर देती हूँ ना मैं, इसको मेडिको बना देती हूँ मेडिकल सेंटर, सॉरी ना, बहुत सुबह से बोल रही हूँ कि मत करो, फिर वही हरकतें करने में लगी पड़ी हो यार, सॉरी ना, गलती हो गई, माफ कर दे, जब मैं नहीं रहूंगी ना तुम्हारी जिंदगी में तब तुम्हें इस चीज का, अब क्यों बोल रही है, अब तू क्यों बोल रही है, नहीं तू क्यों बोल रही है, अब तू बोलती है इससे तभी मैं बोलती हूँ, तेरे को भी पता लगना चाहिए कि कैसा लगता है सामने वाले को, तू भी तो बोलती रहती है, तूने कल परसों में कितनी बार बोली है ये बात बताना जरा, खुद का पता नहीं चलता, मैं तो हुई नहीं, मेरे अंदर तो कुछ फीलिंग्स है ही नहीं, मेरे को तो बुरा लगता ही नहीं है, हो गया उसको देख लो जरा, तैयारी कर रहा कूदने की, अच्छा चल आगे बता
नहीं सुन रही, आगे बता, अब बता दे तो आगे। अच्छा मेरी गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मेरी रिपोर्ट आ चुकी है। वैसे तो मैंने डॉक्टर को भेज दिया, वहाँ से भी कोई रिवर्ट आया नहीं है, बट मैंने चाचा को दिखाया तो चाचा से मेरी अभी बात हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मली हो जाएगा सब ठीक, ऐसे ही बोला उन्होंने। अभी जस्ट मेरी बात हुई है, ठीक है ना, ऐसे घूर के देखने की जरूरत नहीं है मुझे। अब देखना जरा कैमरे के सामने, देख तो जैसे घूर रही थी अभी, अभी जैसे घूर रही थी गुस्से में, वैसे घूर। क्या घूरू, तुमको फर्क थोड़ी पड़ता है, भैंस के आगे भी मिटाने वाली बात है। मैं भैंस थोड़ी हूँ, भैंस से कम भी नहीं रह गए अब। सुधर जाओ, बता रही हूँ मैं, वरना इतने थपेड़े मार मार के सुधारूंगी ना तुम्हें, सोच भी नहीं सकती तुम। पच्ची ना होगी, चल दिखाना आगे सामान। दिखा दिया है मैंने, खत्म सारा। हाँ यही था। चलो गाइस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, कैमरे के बाद मेरा भतूड़ा बनेगा जो अभी अभी ये लेके आया ना, ये मेरे तरफ में पड़ेगा दाम। चलो ठीक है, बाय। लुक गई है, उधर खाया नहीं, उधर डाल के आओ, उधर डाल के आओ, उधर 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 साइड में डाल के आओ, उधर डाल के आओ, पता ही नहीं। इसको भी बहुत तेज भूख लगी थी। हम लोग गए थे कुछ किसी काम से बाहर, कुछ सामान लेने के लिए, फीड भी कराने गए थे और कुछ सामान भी लेने गए थे। तो आज हमने इस तरफ फीड नहीं कराया क्योंकि इस तरफ ना ऑलरेडी डॉग्स को फूड मिल रहा है। तो कल एक भैया आए थे, उन्होंने भी बोल दिया था, और हम मोमोज भी लेके आए हैं, इसमें है मोमोज। मैं नहीं बताना चाह रही थी जिससे आप लोग हमें गालियां ना दो। तो डाइट तो आधा क्लास है ना, तो अपन इंजॉय करेंगे क्योंकि कल से तो अपने जिम जाना है ना अपनी को। कल से हमें जाना है जिम, तो आज हमारा लास्ट है, जो मर्जी खा लो कल, आज के बाद तो फिर 3 महीने तक तो भूल जाओ, बिल्कुल कतई भूल जाओ। 3 महीने नाम भी मत लेना। हाँ, तो बस फूड फीड हम करा के आ गए। तो जब हम फीड करा रहे थे तो एकदम से दो, मतलब एक लड़का और एक लड़की, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग। तो एक लड़का और लड़की बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास में आके उन्होंने बाइक रोक ली, और लिटरली हमको लगा कि मतलब ये क्या हुआ एकदम से, फिर देख के और चले गए। सिर्फ उन्होंने बाइक ऐसे इतने पास बिल्कुल पास आके, बिल्कुल मैंने कहा भाई हो ही क्या गया, क्योंकि अब ऐसे पता नहीं चलता ना यार किसी का क्या इंटेंशन है। कैमरा में देख के बात कर, कैमरा यही तो है ना, तो शीशे में मत, मैंने यही देख के बात की है, पहले तो देख लिया करो तुम। तो बस यही था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मेरे को नहीं पता पसंद आना चाहिए। सच, एक चीज और बतानी थी, रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखा दी है, उनका आ गया है मैसेज, मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने भेजने के लिए बोला था, तो उनका आ गया है ऑल गुड, तो सारी चीजें ठीक है, बट अभी ट्रीटमेंट चलेगा। अभी हाँ, अभी उन्होंने 15 डेज का ट्रीटमेंट दिया है इनको, मेडिसिन वगैरह, और 15 डेज के बाद वो देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है उसका, उसके बाद आगे का प्रोसीजर उस हिसाब से चलेगा। बट थैंक गॉड के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं तो मेरा जीना हराम करा हुआ था। मैं 67 की पड़ी थी बहुत गंदे तरीके से, कि पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, क्या ही हो गया फिर, क्योंकि इनकी बातें ऐसे आने लग जाती है ना कि तू भी मेरा ध्यान नहीं रखती, तू भी मेरी बातों को सीरियसली लेके जाती है, घर वाले भी मेरी बातों को सीरियसली लेके नहीं जाते थे, कि मैं बोलती थी मेरे दर्द हो रहा है, कोई कह रहा था नहीं नहीं है तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो तू भी सीरियसली नहीं लेके जाती, तो फिर मेरे को बहुत दुख होता है कि ऊपर से पता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। शुरू से मेरे को यही बोलते कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, जब डॉक्टर ने बोला ना ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो तेज गुस्सा आ रहा ना मुझे, मैंने कहा शिट यार अब मैं सिंपैथी भी नहीं ले सकती, शिट। मजाक था बाबू, मजाक था। मैं वो डर लग गया था, पता है मैंने बोला नहीं, मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी कि पता नहीं क्या ही आएगा। अरे कुछ नहीं है, लौंडा जिम करेगा अभी, बॉडी बनाएगा, बॉडी वहां पे सामान खरीद रहे थे बीच रास्ते में, टोकरी पकड़ के चक्कर आ रहा है मुझे बिठा दे, मैंने वही हार्ट अटैक आने वाला था मुझे, ये हो ही क्या रहा है ये, अब मैं बहुत टेंशन, मेरे को कहीं चक्कर आने लग गया आजकल, पता ही नहीं क्या ही हो रहा है। अब तूने भी तो सेम चीज बोली थी, मैंने भी तो सेम चीज बोली है, तो क्या मेरे को तू बिल्कुल डर नहीं वो कर देगी क्या? बी स्ट्रॉन्ग, हां बी स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं हो रहा, जिम करूंगी, सिक्स पैक बनेंगे, दोबारा से कमेंट आने चाहिए, डुगू के सिक्स पैक 12 पैक लिख देना। हां 12 पैक लिख दो, तब जाके 6 12 2 14 पैक हो गए, पैक पैक नहीं पैक, पैक मत लिखना, पैक लिखना 14 पैक,
12 मेरे, बाकी बच्चे कुछ है यशु के। तो इसी के साथ दोस्तों आजा बाबू व्लॉग तो एंड कर ले। अरे मेरा चाय भी तो है, आज ऑडियंस से मिले ही नहीं ना भाई, से हेलो भी नहीं किया भाई को। हेलो कर दो, हेलो गाइस। चलो गाइस, मम्मा पापा मुझे आए 2-3 बार छोड़ छोड़ के चले जा चुके हैं। गर्म क्यों हो रही है इतना? हाँ वो अंदर का ना, अंदर गर्मी में बैठा है ना, इसलिए हो रहा है, और कुछ नहीं। कल गाइज हम इसको होपफुली इंजेक्शन लगवाने जाएंगे। yes. और इसके लिए शैम्पू लेके आना, अभी तक इसको बात नहीं कराया है, तो हमारे हिसाब से तो हमारे बच्चे का पहला बात हुआ ही नहीं है, तो हम इसको इसका फर्स्ट बात देंगे और देखेंगे। और इसी के साथ हम करते हैं इस व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।